सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सिनेमैटिक बीरोल वीडियो जस्ट अपना स्मार्टफोन यूज़ करके किस तरीके से शूट कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में स्पेशली मेरी फ्रेंड मुस्कान इस शूट में हमारा साथ देंगी। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, और जिनको लगता है कि सिर्फ DSLR से अच्छी वीडियोस बन सकती हैं, तो उनका आज मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि स्मार्टफोन भी बहुत कुछ कर सकता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली आज की इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से आप सिनेमैटिक बीरोल वीडियो स्मार्टफोन से शूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा सेटिंग्स की, और कैमरा सेटिंग्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रो वीडियो मोड का, और आज मैं बताने वाला हूँ कि स्मार्टफोन की पावर एक्चुअली में होती क्या है। ओके, ISO मेरा होगा 100 पे, शटर स्पीड मेरी होगी 1/125। अपर्चर जो मेरा होगा, जैसा कि जो मैं लेंस यूज़ करूँगा उस अकॉर्डिंग वो अपर्चर मेरा होगा। वाइट बैलेंस मेरा होगा मैनुअल पे, ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। देन उसके बाद जो मैं लेंस यूज़ करने वाला हूँ, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद जो आपको पीछे यहाँ पे लोकेशन दिख रही है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सीन का, और यहाँ से मुस्कान चल के आएंगी। तो चलिए इस मूव को करके हम देखते हैं। देन फाइनली आपने पहला सिनेमैटिक बीरोल सीन देख लिया किस तरीके से हमने शूट करना है। पहला मैंने सीन लिया स्लाइडर शॉट की तरह। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मुस्कान का मैं फॉलो शॉट लूँगा मीन्स की, जैसा कि वो यहाँ से मतलब कि चल के आएंगी यहाँ तक, ठीक है, जैसा कि पहले वो वहाँ तक हमारा सीन कट हो चुका है। देन उसके बाद मुस्कान यहाँ तक चल के आएंगी, उनको मैं फ्रंट से शूट करूँगा, फिर बैक से कुछ पोजेस लूँगा, देन फिर हम उनके कुछ लो एंगल सीन्स लेंगे। तो चलिए इन सीन्स को लेकर हम देखते हैं। सो फाइनली हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है सिनेमैटिक बीरोल का। अब जैसा कि मैंने पहले में स्लाइडर शॉट लिया था हैंडल्ड, उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ सारे के सारे सीन्स लूँगा गोरिल्ला ट्राइपॉड से, बिकॉज हमें थोड़ा मतलब कि ग्रिप मिल जाता अच्छा हमारे स्मार्टफोन को। देन उसके बाद FPS जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 60 FPS और 30 FPS का, मीन्स कि दोनों का कॉम्बिनेशन है 50-50। ऐसा नहीं कि सारी की सारी वीडियो 60 FPS पे है, बिकॉज मुझे क्या है कि थोड़ा नेचुरल दिखाना है मूवमेंट को। उसके बाद जो आपको पीछे कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं उसको मैं कैप्चर करूंगा मुस्कान के साथ, मतलब कि बिल्कुल थोड़ा गिम्बल स्टाइल में लेंगे और मूवमेंट के साथ कैप्चर्स करेंगे। और आपने एक एक चीज़ को ध्यान से देखना मैं किस तरीके से कैमरा मूवमेंट को लेता हूं। तो चलिए इस मूव को करके हम देखते हैं। सो फाइनली हमने सारे के सारे जो मोस्टली पार्ट है कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड लास्ट पार्ट हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक प्लेन लोकेशन है, ओके, और यहाँ पे मैं मुस्कान को कैप्चर करूँगा लाइक कि 360 रोटेशन करेंगे, ठीक है, और बिना गिम्बल के मैं ये शॉट लेने वाला हूँ। इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑन मतलब कि मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन के अंदर ही, कोई भी ऐसा गिम्बल वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस मूव को लेंगे, थोड़े से एक्सप्रेशन कैप्चर करेंगे, ओके, देन फिर हम नेक्स्ट रोटेशन पे चलेंगे। तो चलिए इस 360 वाले रोटेशन मूव को लेके हम देखते हैं। सो फाइनली मुस्कान ने काफ़ी कमाल के सीन्स दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इनको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मेन लास्ट पार्ट हमारा लोकेशन की, लोकेशन पे कैसे फाइंड मतलब कि कैसे ढूंढें उसको, कैसे हम सर्च करें। तो लोकेशन आपके आसपास जो भी पार्क है, जो भी आसपास आपके अच्छा इन्वायरमेंट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ क्या करना कि पेड लोकेशन पे जाके आपको लगेगा कि यार वहाँ पे ही वीडियो हमारी सही शूट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। देन उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी कमाल की लोकेशन है, अच्छी सी सिमेट्री बनी हुई है ट्रीज़ वगैरह की, और काफ़ी मतलब नेचुरल मूवमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कुछ क्लोजअप सीन्स लूँगा मुस्कान के, देन फिर कुछ वाइड एंगल सीन्स लूँगा, और सारे के सारे सीन्स को मर्ज करके एंड में देखेंगे किस तरीके की हमें वीडियो देखने को मिलती है, जिसका नाम है सिनेमैटिक बीरोल। और आप शॉक होंगे कि यार स्मार्टफोन भी इतनी अच्छी वीडियो कैसे शूट कर सकता है। तो चलिए सारे सीन्स को लेके हम देखते हैं।
सो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया कि आप किस तरीके के साथ प्रोफेशनल सिनेमैटिक बीरो वीडियो को शूट कर सकते हैं जस्ट अपना स्मार्टफोन यूज़ करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट। जी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।